स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे कंप्यूटर कूलिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा कि फिजिक्स में एक लॉ है जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक का लॉ कहते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब ऊर्जा जो आ रही है आपके पास उसको आप कुछ कर नहीं सकते, आप उसको बस बदल सकते हैं ना। उसको आप ऊर्जा बिना कोई चीज़ से नहीं बना सकते हैं, ना ही ऊर्जा को आप नष्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है और उसमें आपने बिजली डाला, आपने बोला भाई ये 50 वाट का बिजली डाल रहे हैं इसमें, मेरा कंप्यूटर 50 वाट का है। वो 50 वाट का हो क्या रहा है, एंड में वो गर्मी में बदल जा रहा है। तो आजकल पहले के कंप्यूटर में तो बहुत कम पावर कंजम्पशन होता था, आज का कंप्यूटर मतलब आप देख सकते हो कि इंटेल के i9 प्रोसेसर 150 वाट तक चले जा रहे हैं, AMD का थ्रेड रिपर CPU सब जो है 300 वाट तक का हीट आउटपुट पर चला जा रहा है। तो 300 वाट का अगर वो बिजली खा रहा है तो 300 वाट का वो समझ लीजिए हीटिंग एलिमेंट बन जा रहा है, मतलब जिससे आप खाना भी पका सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उतना गर्मी पे सेफली नहीं काम कर पाएगा। आप देखते हैं IC जल जाती है, कई बार सुनते होंगे ये जल गया वो जल गया, TV में होता है। मतलब कोई भी कंपोनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो सेफली काम नहीं कर पाएगा। तो सेफ्टी के लिए हम लोग को इसको ठंडा करना ज़रूरी है। और दूसरा, इक्विपमेंट आपका जो भी है इलेक्ट्रॉनिक कितना देर चलेगा वो डिपेंड करता है कि कितना ठंडा रहता है वो। मान लीजिए आपका एक आपने दो एकदम सेम CPU उठा के ले लिया, एक CPU का आप 50 डिग्री पर रख रहे हो, मतलब 100% यूज है 50 डिग्री पर आप रख रहे हो, मतलब उसका कूलर उसको 50 डिग्री पर रख पा रहा है। दूसरा आप उसमें एकदम ओवर खूब बढ़िया सा कूलर लगा दीजिए, उसको 30 डिग्री पर रख पा रहा है। आपका जो CPU है जो 60 पे चल रहा है, 50-60 पे चल रहा है, वो जल्दी ख़राब होगा कंपेयर टू आपका जो मतलब कम टेम्परेचर है। तो जितना कम टेम्परेचर लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, गारंटी नहीं हो जाता कि आपका चलता रहेगा प्रोसेसर अगर आप ठंडा रख रहे हो तो, लेकिन आयु बढ़ जाती है। तो इस कारण से ये सब करना ज़रूरी है। और Xbox का जो 360 आया था उसमें तो कूलिंग इतनी बुरी तरीके से लगाई गई थी कि उसके चलते मदरबोर्ड बेंट हो जाता था, और उसको ठीक करने के लिए आपको उसको लगा कि उसको हीट करना पड़ता, मतलब उसके ऊपर कपड़ा लपेट के हीट करना होता कि बेंट वापस उल्टा हो फिर, ताकि वो हीट सिंक से कनेक्ट करे। नहीं तो आप समझ सकते हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट गर्मी के चलते बर्बाद हो गए हैं। तो हम लोग करते क्या है उसका मतलब ठीक करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग एक ही चीज़ करते हैं, हीट सिंक लगाते हैं। और हीट सिंक में एक प्रॉब्लम मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हीट सिंक लगाते हैं, उसके बाद हीट पाइप लगाते हैं जो आप देखते होंगे कॉपर का होता है पतला पतला, निकल का भी हो सकता है, निकल वाला जनरली महंगा आता है, या तो निकल कोटिंग की जाती है या निकल का बनाया जाता है, जनरली महंगा आता है। फिर या तो आप पानी से ठंडा कर सकते हो, जैसे आपका गाड़ी का इंजन ठंडा होता है, वैसे ये आता है रेडिएटर, लिक्विड वाला रेडिएटर, मतलब इस सबके साइज़ तो लगभग आपके मोटरसाइकिल में जो लिक्विड कूलिंग होता है उसके साइज़ का आता है ये सब। और ये सब समझिए आपको गर्मी निकाल रहा है, गर्मी को हटाने के लिए आप पंखा का इस्तेमाल करते हो। आप हीट सिंक लगा दिए, हीट सिंक कुछ ठंडा नहीं कर रहा, वो सिर्फ गर्मी को एक जगह से उठा के बड़े बड़े जगह पर रख दे रहा है, हवा उस पर बहेगी तभी उससे गर्मी निकलेगा। तो गर्मी निकालने के लिए हम लोग पंखा इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जिसको कहते हैं हम लोग स्लो थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक हीट सिंक लिया, जैसे इस तरह का हीट सिंक इंटेल का है जो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसके कोर पे आपने हीट डाला जहाँ पे मतलब आपका प्रोसेसर लगा हुआ वो गर्म हो रहा है, तो वो गर्म होते हुए तुरंत हर जगह नहीं पहुँच जाता है। जैसे इस थर्मल इमेज में आपको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ गर्म हो गया लेकिन ये सब अभी भी ठंडा का ठंडा रह गया है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कुछ देर बाद वो गर्म हो जाएगा, लेकिन जब तक वो वहाँ तक गर्म होगा तब तक ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, मतलब आपका चिप का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गर्म जगह पर हीट पाइप लगाते हैं। जैसे आप ये देखते हैं AMD के कूलर्स में आता है हीट पाइप, जैसे ये सस्ता इंटेल वाला इसमें नहीं है। तो हीट पाइप लगाने से ये होता है कि हीट पाइप में एक फ्लूइड है जो गर्म होने पर तुरंत कूदने लगता है, भागने लगता है। तो हीट पाइप से गर्मी कोने कोने में ले जाया जाता है, इसीलिए आप हीट पाइप के पीछे पूरी दुनिया पागल है। आप देखते हैं ग्राफिक्स कार्ड में 5 हीट पाइप्स 6 हीट पाइप्स, यू नो थिक हीट पाइप्स, यू नो 10 mm हीट पाइप। हीट पाइप का काम वही है कि गर्मी जहाँ पे पैदा हो रहा है वहाँ से मेटल कंडक्ट करके ले जाएगा दूसरे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो अगर वो वैसा कर रहा है तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका ये CPU जल सकता है, मतलब ठंडा होते हुए भी जल सकता है, क्योंकि ठंडा जल्दी नहीं होगा। तो इस कारण से हीट पाइप का बहुत ज़रूरत पड़ता है। और आपको ये समझना होगा कि कोई भी हीट पाइप जो है वो फास्ट होना चाहिए, मतलब तुरंत उससे गर्मी एक छोर से दूसरे। आजकल के हीट पाइप बहुत अच्छे आने लगे हैं, जैसे कि लैपटॉप में तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ प्रोसेसर है, यहाँ ग्राफिक्स कार्ड का चिप है GPU, और उसको हीट पाइप से यहाँ के रेडिएटर पर डाला जा रहा है। हीट पाइप इतना स्पीड से गर्मी ट्रैवल करता है और दोनों तरफ करता है, ऐसा नहीं कि गर्म होगा यहाँ आएगा ठंडा आएगा वापस जाएगा, वो सर्किल में चल रहा है, कंटिन्यूस है। तो एक साइड आपका ठंडा रहेगा, एक साइड गर्म रहेगा। तो ये इश्यूज हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब बात करते हैं एयर कूलर के बारे में, जो बेसिकली ऐसा ही दिखता है। तो एयर कूलर में आपको ये समझना होगा, बहुत सस्ता और बहुत इफ़िशियंट होता है। मतलब आपका काम निपटाना है अगर आपको, इससे बढ़िया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है। पुराना आपको हीट सिंक मैंने दिखाया कि उससे बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है। आजकल बड़े बड़े आते हैं और बहुत महंगे भी नहीं आते, मतलब 3-3.5 हज़ार में आपको अच्छे हीट सिंक मिल जाएंगे, और जिसमें हीट पाइप होगा, जिसके खूब सारे फिन होंगे, खूब सारा सरफेस एरिया होगा, उसमें 120 मिनट फैन लगा होगा। फैन जितना बड़ा रहेगा उतना शांत रहेगा, बस ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऐसे छोटे खूब सारे फैन अच्छे नहीं होते, एक बड़ा फैन ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए आजकल के हीट सिंक बहुत कम आवाज करते हैं, क्योंकि मतलब आप देख सकते हैं कि छोटा फैन की जगह बड़ा बड़ा फैन यूज़ करने लगे हैं। तो आप आराम से इससे पैसा बचा सकते हो, जब तक बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी ना करे। जैसे मान लीजिए कोई आपको इतना सा हीट सिंक बेच रहा है, बोल रहा है कि 300 वाट का TDP है, मतलब 300 वाट का गर्मी हैंडल करेगा, नहीं उतना तो नहीं होगा। तो अगर जैसे डीप कूल है, आप मान लीजिए कूलर मास्टर आपको महंगा लग रहा है, लेकिन डीप कूल आपको लग रहा है यार सस्ते में लेना चाहिए कि नहीं, ले सकते हैं। कुछ इसमें चलने वाला चीज़ नहीं है, पंखा भी आजकल ख़राब नहीं होता है, तो सोचना नहीं है आपको। तो एयर कूलिंग से हम लोग काफ़ी अच्छा, और इस तरह के हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त एयर कूलर जो आते हैं, ये तो मतलब AMD का थ्रेड रिपर को भी हैंडल कर लेगा। तब आते हैं लिक्विड कूलिंग के बारे में। लिक्विड कूलिंग के बारे में आप ये समझिए, लिक्विड इसमें वही काम कर रहा है जो हीट पाइप करता है। आपको मैंने बताया गर्मी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मेटल से आप ले जा सकते हो लेकिन धीरे धीरे जाएगा, आपको तुरंत चाहिए कि मतलब गर्मी एक जगह पर आया तुरंत है। पानी से ऐसा करते हैं, इसलिए आपकी गाड़ी के इंजन में भी पानी डाला जाता है ठंडा करने के लिए। तो पानी जो है इसमें गर्मी को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। पानी या तेल, जनरली पानी यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सब में। आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब इसमें पंप है, ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब होता है जो आपका हीट सोर्स से कनेक्शन देता है। हीट सोर्स के ऊपर ब्लॉक लगा है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के अंदर पानी चल रहा है, वो पानी एक पंप चला रहा है, उसको रेडिएटर में डाल के गर्मी निकाला जा रहा है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट, इससे बहुत अच्छा हो जाता है कंप्यूटर का। जैसे आप समझिए, अगर आप एक हीट सिंक बहुत बड़ा सा यहाँ लगा देते तो गर्मी ये सारे एरिया में फैल जाता। अगर आप लिक्विड कूलिंग लाते हैं, वो गर्मी वहाँ से उठाया, इस जगह पर कुछ नहीं, क्योंकि ये वो पूरा सील सिस्टम है, आराम से जाके सीधे सीधे कैबिनेट के बाहर निकाल दिया। तो ऐसा करने से आपके ये सब कंपोनेंट, जैसे आपका रैम है, मतलब पावर सप्लाई ब्लॉक है, ये सब गर्म नहीं होता है। और इसमें तो इस एग्जांपल में आप बहुत अच्छा से, मान लीजिए आप AMD का थ्रेड रिपर लगाए हैं, ये तो पूरा एरिया धिप जाएगा अगर आप एक एयर कूलर लगाते हैं। लिक्विड कूलिंग में क्या है, आप यहाँ लगाएं, आराम से सीधे एग्जॉस्ट ऊपर निकाल रहा है, वो गर्म रहेगा लेकिन आपका कंप्यूटर का बाकी सारा चीज़ ठंडा रहेगा। दूसरा, मदरबोर्ड पे बहुत भारी चीज़ अगर बहुत बड़ा हीट सिंक आप लगाते हैं, उस पर थोड़ा लोड पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो वो स्ट्रेस आपके मदरबोर्ड को डैमेज कर सकता है, खास करके सस्ते मदरबोर्ड को। तो उससे भी बचने के चलते ये बचा लेता है उससे, कि क्योंकि आपका एक ही ब्लॉक है, उस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं है, वो बस लगा हुआ है, उसमें कोई खास वजन नहीं है, पंप है छोटा सा। मेन जो रेडिएटर भारी चीज़ है वो अलग से लगा हुआ है कैबिनेट पे, कैबिनेट पूरा वजन उठा रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो लिक्विड कूलिंग के ये बेनिफिट है, लेकिन महंगा होता है, याद रखिएगा। तो हम लोग आते हैं कि सर्वर में पहले एयर कूलिंग चल रहा था, लेकिन आज एक नई तकनीक आने लगी है जिसे हम लोग कहते हैं सबमर्ज्ड ऑयल PC। बेसिकली आप इस तरह से एक पूरा सर्वर का कैसेट लिए, उस कैसेट को 1U कहा जाता है, उसको पूरा तेल में डुबा दिया। पानी में नहीं डुबा सकते, पानी में बिजली शॉर्ट करेगा, तेल में डुबा देने से फायदा था, तेल शॉर्ट नहीं करता। आप बोलोगे तेल बिजली में शॉर्ट नहीं करेगा, ये कैसे पता है? आपके ट्रांसफार्मर सब जो देख रहे हैं उसमें तेल ही भरा रहता है उसको ठंडा रखने के लिए। तो तेल बहुत आराम से, बहुत हाई वोल्टेज आराम से आँख बंद करके हैंडल कर सकता है। और इसको लगा लगा के फायदा ये होता है कि आप बहुत सर्वर एक दूसरे के बहुत नज़दीक रख सकते हैं, इससे पैकिंग इफिशेंसी बढ़ जाएगी। मतलब आप एक यूनिट में, मतलब आपने 10 मीटर बाय 10 मीटर का ज़मीन खरीदा है, उसमें कितने सर्वर लगा सकते हैं वो बढ़ जाता है। और आप पैसा देकर खरीद रहे हो तो आप चाहोगे कि उसका यूज़ कर सकें, तो पैकिंग इफिशेंसी बढ़ जाता है, क्योंकि मतलब हर को आप एक दूसरे के नज़दीक रख सकते हैं। दूसरा, ये ठंडा ज़्यादा अच्छा करता है। हवा में प्रॉब्लम ये है कि आपने हवा एक जगह से घुसा, दूसरी जगह पर गर्म हुआ, तीसरी जगह पर निकला, ठीक है। अब इस दरमियान अगर वो गर्म हवा किसी और चीज़ को गया, वो उसको मतलब हेयर ड्रायर की तरह हीट करने लगेगा। ऑयल में ये, चूंकि ऑयल पूरा सर्कुलेट होता रहता है, तो ऑयल को ठंडा करना ज़्यादा आसान है। ऑयल को आप सीधे एक पाइप में लिए, एक कूलर में लगा दिए, बड़ा कूलर है, वो आराम से ठंडा कर। पंखे में प्रॉब्लम है, इतने सारे छोटे छोटे पंखे रहेंगे कि मतलब यहाँ ये थोड़ा सा ठंडा किया, वो थोड़ा सा ठंडा किया, एंड एंड में फजीहत हो जाती है। खूब भारी भरकम AC लगाना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए। और इससे ये फायदा होता है कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं हो, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर में दिखाया था कि जो सोर्स है वो बहुत गर्म हो सकता है, मतलब जैसे आपका CPU है वो खुद बहुत गर्म हो सकता है, और हीट सिंक उसको डिसिपेट अगर नहीं कर पाए जल्दी तो नुकसान हो जाता है, वो इससे बच जाता है। क्योंकि तेल हर टाइम घूम रहा है उसमें, वो तेल में पूरी तरह से डूबा है, तेल बहुत डेंस होता है, मतलब हवा से 800 गुना ज़्यादा डेंस होने के चलते
वो आराम से हीट को हैंडल कर लेता है। तो कोई भी आपका जो भी सर्वर है उसमें हीट स्पॉट नहीं होता है, मतलब कि एक जगह पे बहुत गर्मी हो गया वहाँ फ्राई हो गया सर्किट, वैसा नहीं होगा। दूसरा, आवाज़ बहुत कम आएगा, जैसे छोटे छोटे फ़ैन बहुत आवाज़ करते हैं और सर्वर वाले में फ़ैन जो लगाया जाए तो इतने नॉइजी होते हैं। अगर आप किसी भी हाई एंड सर्वर में जाइएगा वहाँ आपको बोला जाएगा ईयर प्रोटेक्शन लगाओ, नहीं तो मतलब पागला जाएंगे, मतलब इतना गंदा नॉइज़ पैदा करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब जानलेवा लेवल का नॉइज़ पैदा करता है वो सब फ़ैन। आराम से शांति कर दिया, तो इसका सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है, बड़ा फजीहत है इसको, मतलब अगर मान लीजिए सर्वर में कुछ हुआ आप उसको निकाल के करना चाह रहे हैं ठीक हो, फजीहत है, लेकिन बिजली बचा देता है तो सब लोग तो करेंगे, बिजली का ही सबसे बड़ा बिल आता है। दूसरा, ठंड, आप एक ही जगह पे खूब सारे सर्वर रख सकते हैं, जगह का पैसा बच जाता है, तो मतलब सब मिला के ये धीरे धीरे होने लगेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है इंटेल जिसमें रिसर्च किया था कि ऑयल कूलिंग से काम चलेगा कि एयर कूलिंग से काम चलेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कंप्यूटर कूलिंग के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं डिसलाइक कर दीजिए। आप कॉमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे कंप्यूटर फिटनेस टेक में, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।